मेरे को कहता है व्हाट इज द पर्पस ऑफ योर विजिट, वेलकम टू आयरलैंड। मम्मी कहाँ है? महंगाई कितनी है, चरम सीमा पे है यहाँ। मेरी थोड़ी दाढ़ी वाइट हो गई ना भाई साहब, बाहर इतनी ठंड है। चलो जी, बाय बाय टू रेसिडेंस बाय मैरियट। मॉर्निंग जी, वेलकम टू अनदर वीडियो, थैंक्स फॉर ट्यूनिंग इन टुडे। सो आज वक्त आ गया लंदन यूके को अलविदा कहने का। यूके को अभी अलविदा नहीं कह रहे, यहाँ से जा रहे हैं डबलिन। डबलिन में हमारा स्टे है 3-4 घंटे का। सोच रहे हैं कि बाहर जाएं डबलिन, लेकिन ना फिर जाएं कि ना जाएं, अभी उसी दुविधा में है। उसके बाद हमारी है फ्लाइट कैलगरी एंड देन सास्कटून। सो 3 फ्लाइटें बदल के आज जो सुबह हुई है वो हुई है यूके में, शाम रब ने चाहा तो होगी सास्कटून में। Woke up at the break of dawn, empty hotel room, just had to get up, get dressed, get out, get behind the wheel again. तो जी हम यहाँ पे आ गए हैं अपने रोज के लिविंग एरिया में, लेकिन आज कोई नहीं है यहाँ पे, सिर्फ मैं और आर्या बैठ के वेट कर रहे हैं हमारी टैक्सी का। मम्मी पापा अभी आए नहीं है, वी आर वेटिंग। तो बस जी अब चलें अपने घर, हमें यू नो देयर इज नो प्लेस लाइक होम। सो अच्छा रह गया, वेकेशन वॉज गुड, रब की दया से सब कुछ ठीक रह गया। अब बस यहाँ बैठे हैं। आज हमने नाश्ता तो नहीं करना, लेकिन हम फील ले रहे हैं नाश्ते की। आज हम नाश्ता करेंगे एयरपोर्ट पे, तो देखते हैं चल के। हीथ्रो ऑल्सो फ्लाइट में भी मिलेगा नाश्ता। हाँ फ्लाइट में भी मिलेगा, विच इज़ राइट, बट यहाँ वाली मिलेगा हीथ्रो टू डबलिन? आई डोंट थिंक सो इधर आज निकल गई है नीचे ऑलरेडी। देख लो मेरा आउटफिट ऑफ द डे। होटल का पूरा मैप है, जो आसपास क्या क्या एरिया है होटल के आसपास, ये सारा है। तो ये देखो लिखा है ना, वेलकम टू बर्मोंसी। तो लेफ्ट से स्टार्ट होता है, जैसे पूरा ना बिग बेन से होता हुआ ऊपर ट्रफाल्गर स्क्वायर लंदन आई है, फिर नीचे वेस्टमिंस्टर है, यू गो फर्दर लंदन ब्रिज है, द शार्ट टावर ब्रिज, सब कुछ कवर करा है हमने। बरो मार्केट नहीं गए बट कोई नहीं, कुछ ना कुछ तो हमेशा रह ही जाएगा। एंड यहाँ आ गए हैं हमारे हीरो जस जी। इतना मोटा बिल पे करके हीरो बन गया जीरो। कोई बात नहीं, फिर से इस जीरो को खड़ा करेंगे हीरो तक। मजा बहुत आया, अच्छा लगा, अच्छा स्टे है, हो गया सब फॉर्मेलिटी, चेक आउट टू गुड। चार्ज तो मैंने पे तो कर दिया हुआ इन्होंने पहले ही। भेजो घड़ी। घड़ी मैंने उधर रखी दी है निकाल के बैग में। क्यों? सिक्योरिटी के बाद है, फिर उतरवांदे बढ़ाने थे ना। हाँ। की हम इतनी डरे हुए हीथ्रो की सिक्योरिटी से कि हमें लगता है कि जितना ज़्यादा यू नो कॉम्प्लिकेशंस कम रखो अच्छा है। हमने इतनी सी भी लिक्विड्स नहीं रखे अपने कैरी ऑन्स में या बैग पैक में। हमने हीथ्रो से करा था ट्रांसफर, उसी में इंडिया से वापस आते हुए, उसी में इन्होंने सालों ना पानी पे आता जी, मतलब बुरा कर दिया। मम्मी पापा कहाँ हैं? मम्मी पापा रेडी है, मैं नॉक करके आया था। ठीक है, बस कहते हैं कि टैक्सी उनको था, टैक्सी ड्राइवर से होगी बात, मैं कहाँ जी होगी, आ गया था मैसेज, कहते ठीक है फिर आ रहे हैं नीचे चल लो। ठीक है, भाई उठ गया? भाई तो दिखा दी मेरे को, पापा मम्मी दिखे थे, अभी उठाओ ना फिर। एंड दिस गर्ल वॉज सच ए नाइस वॉकर। कल थोड़ी सी बेचारी परेशान थी पसीने में गर्मी में, बट शी इज़ ऑल ओवर ग्रेट ग्रेट ट्रैवलर, बहुत अच्छी ट्रैवलर है एज अ किड। ब्रेकफास्ट टेबल पे बैठ के ये डिस्कस हो रहा है कि क्या क्या मिस हो गया, क्या क्या देखा गया लंदन में, कितना टाइम भी कम है। तो सामने मैप लगा हुआ है ना उधर पूरा। मनु कह रहा है 2 दिन एक्स्ट्रा थे, 2 दिन कम होने चाहिए। मनु मेरे को कल से कह रहा है 2 दिन तूने एक्स्ट्रा कराए हैं, दो दिन के तू पैसे बचा सकता था आराम से। 5 दिन इंतजार हो रही है बैठ के। चलो जी, बाय बाय टू रेसिडेंस बाय मैरियट। आर्या कह रही है बर्मोंसी स्ट्रीट, इफ एनीबॉडी वांट्स टू कम 190। लाडो इज सच अ बिग हेल्पर। चलो जी, रात के अंधेरे में, रात में ही आए थे, रात में ही जा रहे हैं।
तो जी यार आर वैन हैज अराइव्ड बिग व्हीकल पीछे चलोगे हाँ जहाँ आप कहोगे वहीं ठीक है एक घंटा दूर है हीथ्रो भाई आया बता ही दिया आपको दादी आ गई अपनी ड्रेस में दादी आ गई है कंफर्टेबल क्लोथ्स में फॉर ट्रैवलिंग साड़ियाँ भी एंड मम्मा भी चलो जी पहुँच गए हैं हीथ्रो एंड सामान सामून रख लिया है ठंड लग रही है लाडो को भाई साहब बाहर इतनी ठंड है एकदम से ओहो ये क्या लाइट है स्टाइलिश वाइलिश कर रखी है बाकी है मतलब वैसे तो थोड़ी बहुत सफाई पे ध्यान दें है ना आई थी ना हम एक्चुअली हीथ्रो से हमने अब देखा है हीथ्रो अब देखा है मैंने हीथ्रो से डिपार्ट तो कभी करा ही नहीं हमने ये लाइट यहाँ जलती नहीं कम रखते हैं थोड़ा मैं कह रहा हूँ हीथ्रो से ऐसे डिपार्चर तो किया नहीं ना कभी चलो हूँ आया लगा आना जाना लगा रहेगा आते जाते रहेंगे बी ए उधर मत जा इधर है ये बी ए नहीं था अच्छा जरा रौनक चेक करो सुबह सुबह का टाइम है लेकिन ठीक है माहौल ज़्यादा बिजी भी नहीं है लेकिन हाँ हमारे जैसे लोग काफ़ी हैं जो आए हुए हैं सुबह सुबह की फ़्लाइट में यहाँ जस्टी कर रहे हैं चेक इन मतलब चेक इन तो हमने कर दिया था ऑनलाइन दिस इज़ गेटिंग द एक्चुअल फिजिकल बोर्डिंग पास उसके बाद करेंगे बैग्स ड्रॉप आ गए हैं जी सारे बोर्डिंग पासेस तो जी अब आ गए हैं बैग्स ड्रॉप करने एंड वो कह रहे हैं यहीं पे आप कर लो सेल्फ चेक इन मत करो तो एंड आर्या को मिल गया है आर्या की किड्स किट खाली पड़ा है सुबह सुबह ज्यादा रश नहीं है ये आया को मिल गई है किट बच्चों वाली क्या इसमें गुड्डू आई विल शो यू बेटा शेयर है एवरीथिंग तू अपना ले लेता है कि यहाँ पे मिल रहा था मेरी थोड़ी दाढ़ी वाइट हो गई ना नहीं काली करके आया है तू अब थोड़ी थोड़ी हो गई है मैं तेरे को एक दिलवा दूंगी अभी कहूंगी आई हैव अनदर किड दैट यू डिडंट सी हीथ्रो इसकी सिक्योरिटी बड़ी मशहूर है और वो मतलब तुम्हारी एक्सपेक्टेशन पे खरी उतरी है एक आर्या की दवाई फेंक दी गई है उसकी हमें कफ सिरप लिया था दैट वाज 115 एमएल हमें उम्मीद थी कि वो फेंकेंगे हम प्रिपेयर्ड थे हमें पता कहाँ जा रहे हैं अच्छा ओके चलो जी चले नीचे जा रहे हैं अब आ गए हैं जी लंदन हीथ्रो का देख ले भाई तेरा वो ड्यूटी फ्री रॉन का देख लो शान का वर्ल्ड ड्यूटी फ्री है जैसे अच्छा व्हाट डू यू वांट टू बाय मी नहीं तेरे पास कैश जो बचा हुआ है कर ले यूज मैं कैसे बर्थडे जस्ट निकला नहीं तेरे बर्थ आपको वैसे एक ऑपरेशन नहीं दिया डॉक्टर से है ना चल ले ले मैंने कब रोका है ले ले कितना बचा है कैश कैश कितना ऐसी ये बता नहीं रही ये बताती मेरे को भी नहीं बता रही है कितना बचा और स्टार बक्स देख के जैसे जो उछल रही है सुबह सुबह ठंडा तो पिलाऊंगा नहीं मैं हॉट चॉकलेट पी ले ओके नाश्ता पानी हो गया प्रेट पे ये प्रेट थोड़ा अच्छा है कॉफी इसकी अच्छी है एक रुपए की कॉफी माड़ी नहीं है हाँ फिल्टर कॉफी बाकी आर्या की मम्मा ने अपने कैश हार्ड कैश निकाला और लेके तो है ना पाउंड वापस लेके और इसकी फिल्टर कॉफी है ना जी सस्ती भी है इको चीज सस्ती है थे बस 99 पेंस की हाँ सब कुछ छोटा छोटा यार एक केला नेहा इन्होंने दिया है 1 पाउंड
एक केला मम्मी एक केला एक केला है जी एक पाउंड 25 सेंट का इन्हों मैं अगर एक बार मैं इन्हों इनवाइट करके आया मैं तुम आओ तो हमारे देश हम तुम्हें कॉस्को से केले ला के देंगे $2 के 8 केले तुम्हें के लिए तो 70 पेंजू है ये सवा पाउंड ले लिए इसने एक केले के कोई बात नहीं छोड़ो हूँ महंगाई कितने हम चरम सीमा पे है यहाँ जा रहे हैं कुछ चंद लम्हे बच गए नहीं नहीं वो तो है नहीं जगह बहुत अच्छी है बड़ी प्यारी है डोंट टेक मी रॉन्ग बट द थिंग इज इतने महंगाई चरम सीमा पे है यहाँ पे कमाओ तो थोड़ा लगेगा यहाँ लोग अच्छा कमा हमारे लिए तो और महंगा लगता है क्योंकि हम तो डॉलर हाँ मतलब यहाँ लोग कमा तगड़ा रहे होंगे इसका मतलब पता नहीं वेज रेट क्या है क्या हिसाब है आई थिंक 11 pounds an hour तो 11 pounds तो $18 हो गए ना तो 18 an hour वो भी कम ही है 18 an hour तो बहुत कम है यहाँ $18 an hour के हिसाब से यहाँ तुम सर्वाइव कैसे कर सकते हो नहीं कर सकते मुझे याद है हमें 20 DM मिलते थे जब दिन के 20 pounds 20 pounds a day यू वुड ओनली अर्न 88 pounds इन द होल डे इफ यू वर्क 8 hours इफ यू वर्क 8 hours नहीं नहीं हाँ $11 times 8 is 88 pounds she started think like this plus tax टैक्स भी तो कटेगा इनकम टैक्स चलो वो तेरा पीछे टेड बेकर भी है तुमने वादा किया था मुझे वीडियो पे एक जो वादा किया वो तो सिर्फ मनु जी निभाते हैं बेटा अब तेरा भी टाइम बड़े आ रहे हैं वादे निभाने के तू अपना देख ले गारे गारा यहाँ पे वादा हो या दिल आखिर टूट जाता है अच्छा अपनी बारी में तोड़ गया हाँ टेड बेकर चलते हैं बाकी हमने चाय पानी कॉफी सब पिला के इन लोगों को बिठा दिया है अपने अपने स्थान पे हम चले आगे क्योंकि हम तो बैठने नहीं आए हम आए हैं शॉपिंग करने तो ड्यूटी फ्री में हम जाए ना जाके कुछ देखे ना ऐसा हो नहीं सकता इसी बात पे हम आ गए हैं टेड बेकर में एंड यहाँ पे 70% 60% 80% एंड यहाँ पे हम हैं हाय तो जी बहुत ही अच्छी डील्स थी टेड बेकर पे लेकिन थोड़ी सी प्राइसी थी लेकिन सच्ची मैं आपको बताऊं वी वर दिस क्लोज टू बाय क्यों आर्या तो जी बात ऐसी है हमने देखा कि सेल पे थी 80% 70% लेकिन ना वो फिर भी 30-40 pounds की मिल रही थी ड्रेसेस अगर 10-12-15 pounds की होती ना तो मैं ले लेती कपड़ों की तरफ ये परफ्यूम वर्फ्यूम देखते हैं कोई लिपस्टिक देख लेते हैं यहाँ पे चलें शार्लेट पे शार्लेट बहुत महंगा ब्रांड है बाय बाय टेड बेकर आ गए बीच में ओके बाय बाय है मनु टाइम था यार पता इतना सस्ता स्टफ था ओनली 40 pounds 40 pounds 30 pounds की चीजें आपने कपड़ा लिया ही नहीं क्या करें मनु जी नो मनु जी पैसे कहाँ लेके जाओगे आई कैन टेक इट इन आयरलैंड आयरलैंड में भी चल जाएंगे पाउंड पाउंड भी लेते हैं वो तुम तो ये चाहते हो कुछ लेना हम लेकिन हम भी डीड हैं हम भी लेके रहेंगे आर्या वी डिडंट सी दिस सेक्शन फ्रेग्रेंस है यहाँ पे लंदन की पावन धरती को बाय बाय लंदन की पावन धरती को बाय बाय करते हुए बस बोर्डिंग स्टार्ट होने वाली है लंदन से हम जा रहे हैं डबलिन फ्लाइट चलने वाली है बाय बाय कर दो लंदन को अब पता नहीं लंदन कब आना होगा नया तेरा आना होगा भी या नहीं इट टुक मी 17 इयर्स टू लैंड ऑन दिस धरती 16 एक ही बात है 16 इयर्स अब उसके बाद हम पता नहीं कब आएंगे चलो ये हमारी पहली विदेश की विदेश हम पहली बार जब आए थे वो था यूके
स्वागत है दोस्तों डबलिन में आयरलैंड। आज हमारे पास यहाँ 4 घंटे हैं। नेहा जी कह रही हैं चलो बाहर, लेकिन मुझे लग रहा है कि नहीं जाना चाहिए बाहर। अब क्या करें, समय लग रही है। भैया नेहा जी ने क्या किया, नेहा जी ने इमिग्रेशन क्लियर करके बच्ची के साथ टैक्सी लेकर खड़ी हुई है और हम लोग, मैं बाद में आया हूँ। मेरे को कहता है व्हाट इज द पर्पस ऑफ योर विजिट, मैंने कहा तेरे को नहीं पूछा, हमें तो पूछते हैं यार। अच्छा उसने पता क्या पूछा, इज इट जस्ट टू ऑफ यू, मैंने कहा यार मुझे बाद में रियलाइज हुआ फैमिली भी तो है, मैंने क्यों बोले, मैंने बोलो चलो। तो मैंने उसको बोला, कहता है फॉर पर्पस ऑफ अ विजिट, मैंने कहा बस मैंने बैगेज लेना है एंड देन वी हैव अ फ्लाइट टू कैच टू कैलगरी एट 1, कहता ओके जाओ। बहुत थप्पा लग गया था, थप्पा लगा दिया उसने। हां देखना मेरे को मेरे पासपोर्ट को दिखाओ, तू देख मैं बाथरूम हो गया। आयरलैंड में हमारे साथ ना थोड़ी सी प्रॉब्लम आई, हुआ ये कि हम वहाँ उतरे, हमारी ना क्योंकि फ़्लाइट सेपरेट थी तो हमें आयरलैंड में उतर के इमिग्रेशन दोबारा करना था और फिर लगेज उठा के दोबारा चेक इन करना था वेस्ट जेट पे। तो हुआ हमारे साथ ये कि मैं वहाँ उतरा तो ये नेहा तो मैंने छाड़ के ना एक कल्ली चली गई बच्ची को लेके, इमिग्रेशन इसने कल्ले क्लियर कर लिया। और नेहा जी आपको पता थोड़ी सी ना हाई इन कॉन्फिडेंस है, फुल इन कॉन्फिडेंस, ये जाके अपना इसको तो कुछ भी नहीं पूछा उन्होंने। मैं वापस गया, जब उसके बाद मेरी बारी आई मैं गया, मैंने उनको बोला कि मेरी अगली फ्लाइट है जो आई हैव टू कैच एंड आई एम नॉट गोना एंटर आयरलैंड, आई विल जस्ट गो टेक माई लगेज एंड चेक इन विद वेस्टजेट। तो वो कहता है कि पर्पस ऑफ विजिट, उसको मैंने काफ़ी कुछ प्रूव करना पड़ा, मेरे को दिखाना पड़े टिकट विकेट वगैरह। और यही चीज़ थोड़ी सी ना मम्मी पापा से भी क्वेश्चनिंग हुई, चलो क्योंकि वो तो इंडियन सिटीजन है, उनकी इंडियन पासपोर्ट था। तो यहाँ पर अब देखो लगेज भी नेहा ने ला कर अपने आप ले लिया और इसको कोई परेशानी नहीं आई और सारे क्वेश्चनिंग जो है वो हमारे साथ हुई। तो मैंने कहा मैं आपको बता दूं कि अगर कभी आप सेपरेट टिकट में आओ तो इस चीज़ का ध्यान रख लें कि फैमिली के साथ इकट्ठी इमिग्रेशन कर लो तो अच्छा है। और ऊपर से इसने उनको बोल दिया, उसने बोला आर यू ऑल बाय योरसेल्फ, तो ये कहती है या इट्स जस्ट टू ऑफ अस, तो इसने ये भी नहीं बोला कि मेरी फैमिली पीछे है। वेलकम टू आयरलैंड, मम्मी पापा को लेने आए हुए हैं हम मम्मी पापा को लेने आए हुए हैं। मम्मी पापा वो होती तो है पता नहीं, यहीं पे पास में कोई एक किले विले हैं हमारे। वेलकम टू आयरलैंड। तो भाइयों बहनों मैं ना आपके साथ अगली वीडियो में शेयर करूंगा कि मेरे साथ आगे डबलिन में क्या हुआ। डबलिन का हमारा एक्सपीरियंस बिल्कुल अच्छा नहीं था, मैं आपको बताऊंगा क्या हुआ, ना केवल मेरे साथ कई लोग और थे जो बड़े परेशान हुए, तो वो आपको मैं बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कॉमेंट करे बिना मत जाना। थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर लव एंड सपोर्ट, विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।